शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। क्या बात है जय? कुछ नहीं। कहाँ जा रहे हो तुम? रात होने वाली है, मैं अंधेरे की आड़ में घर पर। पागल हो गए हो क्या? पुलिस तुम्हारा वहां इंतजार कर रही होगी। मैं कुछ नहीं जानता, मुझे अपनी अम्मी के पास पहुंचना है। और उसके बाद अपनी अम्मी को लेकर कहीं चला जाऊंगा। हफ्ता में एक बार, सिर्फ एक बार ठंडे दिमाग से सोचो। ये केस कितना बड़ा है तुम्हें कोई अंदाजा नहीं है। मेरी अभी अपनी वकील से बात हुई है और वो लोग आतंकवादी का ठप्पा लगा के तुम्हें और तुम्हारी माँ को अंदर कर देंगे। कम से कम अपने माँ को तो बचाने की सोचो। बचा लूंगा। मान जाओ आफ्ताब, बंबई जैसे शहर में भी कई बेगुनाह लोग जेल में घुट रहे हैं, और इस वीराने में पुलिस तुम लोगों के साथ क्या करेगी ये किसी को पता भी नहीं चलेगा। अपने बारे में नहीं तो कम से कम अपनी माँ के बारे में तो सोचो। क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारी माँ भी गिरफ्तार हो जाए? आफ्ताब, मैं पूरा इंतजाम कर चुका हूँ। हमें आगरा से बॉम्बे की फ्लाइट लेनी है, वहां मेरा वकील चुनाव सब ठीक कर देगा। चलो। एक मिनट, हमें आगरा पहुंचना कब है? कल सुबह, कमान। नहीं, अभी एक कहानी बाकी है, आफ्ताब और रुखसाना की कहानी। What? आफ्ताब ने मुझे सब कुछ बता दिया है। इसी शहर में रहती है ना? चलो एक बार उसे मिलाए। कोई फायदा नहीं, अपनों का साथ बड़ी मुश्किल से मिलता है, इसे इतनी आसानी से मत छोड़ना। ओ गॉड, लगता है रुखसाना की शादी हो रही है, अब क्या करें? मैं अंदर से रुखसाना को ढूंढ कर लाता हूँ, तब तक तुम लोग यहाँ इंतजार करो। चलो रुखसाना। रुक जाओ आफ्ताब। ओह ग्रेट, अब यहां तो रास्ता ही खत्म हो गया, हमारी फ्लाइट छूट जाएगी। नहीं छूटेगा बाबा, कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा। चलो मेरे साथ। अरे हमें कुछ करना पड़ेगा। व्हाट डू यू मीन कोई ना कोई रास्ता? हेलो, क्या बात है? डर लग रहा है, हम इस तरह भाग आए हैं, क्या लोगों का ये रिश्ता कबूल होगा? लोगों ने रब को रब कहा है, लेकिन मैंने अपने यार को रब कहा है, और मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि मुझे मेरा रब मिल गया। आगे रब की मर्जी। और अगर मैं अपने रब को जानता हूं तो उसे ये रिश्ता कबूल होगा। कबूल है?
कबूल है। आफताब, प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। हमें कारवां मिला है जो कल सुबह तक हमें आगरा पहुंचा देगा। शुक्रिया। कम ऑन, लेट्स मूव। जय, ये एयरपोर्ट तो बिल्कुल खाली है अब। किसी ना किसी काउंटर पर मेरे वकील ने जरूर टिकट छोड़ा होगा। आफताब, तुम वहां देखो, मैं यहां देखता हूं। आओ रुखसाना। फिर देखते हैं। गुड मॉर्निंग सर, मैं धनंजय पंडित के बारे में आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। आप कौन है? जी, मेरा नाम चिनॉय है, मैं उनका वकील हूँ। बस, थारा खेल खत्म हो गया सुअर। रुको रुको बैकुंड, रुको, समझदारी से काम लो। पिस्तौल नीचे करो। अरेस्ट हिम। चलो, मैं इनको रोकूंगा। लेकिन तुम जाओ। आफताब, जाओ। कम ऑन, जाने पड़ेगा। रागिनी, फास्ट रह। जे, मेरी बात समझ। देखिए, ये केस में पुलिस को बताए बगैर नहीं ले सकता। डॉक्टर साहब, समझने की कोशिश कीजिए, इसके सीने में गोली लगी है। That's none of my business. You make it your bloody business. ये क्या कर रहे आप? डॉक्टर साहब प्लीज, मेरे दिमाग की बैंड बजी हुई है। ओके आई विल डू इट। क्या जरूरत थी ये सब करने की? तो क्या तुम्हें यूं ही छोड़ देता? और तुम्हें क्या जरूरत थी एयरपोर्ट पर पलट कर वापस आने की, मेरी जान बचाने की? तो क्या करता, तुम्हें यूं ही छोड़ देता? चल, अब तू जल्दी ठीक हो जा। एक और काम कर दे, मुझे दरगाह ले चल, आज अम्मी की ये शिकायत भी दूर कर देते। मुझे दो फरार कैदियों की तलाश है। यहां ऐसा कोई नहीं है। मैंने कहा ना, यहां कोई नहीं।
जाने दीजिए सर, यहां से चलिए। कमरागिनी चिनॉय, तुम यहां क्या कर रहे हो? डोंट वरी, रिलैक्स। एक सेकंड, इट्स ओके आफ्ताब, ये मेरा आदमी है, इट्स ऑल राइट। तुम यहाँ कैसे आए? मैंने इनको सब समझा दिया है। क्या रहा है यार तू? वही जो हमने फोन पे तय किया था। क्या तय किया था? अरे वही जो फोन पे कहा था। फोन पर कहा था? अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, तुम यहाँ कैसे आए? एक सेकंड, रिलैक्स। सर, वादे के मुताबिक मेरा क्लाइंट इस आतंकवादी को आपके सामने ले आया है। चिनॉय, लिसन टू मी। रिक्वेस्ट है कि मेरे कमरे को जाने दे। ठहरो जरा, मुझे इनकी बात सुनने दो। सर, इनकी बात मत सुनिए। चिनॉय, शट अप, डोंट एक्ट लाइक अ चाइल्ड। धनंजय, बचपना मत करो। आफताब, ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। कोई गलतफहमी नहीं है। सब कुछ एकदम साफ है, अब कोई चालाकी मत करना लौंडे। ये क्या कह रहे हो बैकुंठ? ये मेरा केस है। सारा केस था, अब ये महारा केस है। अब तू सस्पेंड हो चुका है। क्या बकते हो? बकता दिखा साले को। अब चलो तुम लोग, खत्म हो गया थारा खेल। छोड़िए, मुझे उससे बात करनी है।